एक आदमी को जयपुर जाना था तो अपना सामान लेकर बस स्टॉप पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे याद आया कि वो टिकट लाना भूल गया और वो ये भी भूल गया कि उसे किस बस में जाना है। तो उसने देखा कि वहां 3 बस खड़ी है और उन्हें देखते ही समझ गया उसे किस बस में जाना है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी बस जयपुर जाएगी? अपना आंसर हमें नीचे कमेंट में बताइए। उसे ये 3rd वाली बस में जाना है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस बस की नंबर प्लेट पर RJ लिखा है और हर बस की नंबर प्लेट पे उसके स्टेट का नाम इनिशियल लिखा होता है। जैसे इस बस पे लिखा है HR तो ये हो गया हरियाणा का, और इस पर AS तो ये हो गया आसाम। क्या आपने भी दिया था इसका आंसर? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं आप 100 में से 10 को कितने बार घटा सकेंगे? जरा अच्छे से सोचकर इसका आंसर हमें नीचे कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। 100 में से आप 10 को सिर्फ एक ही बार घटा सकते हैं क्योंकि एक बार घटाते ही वो 90 बन जाएगा, पर आपको तो 100 में से 10 घटाना है तो आप और नहीं घटा सकते। क्यों थी ना मजेदार पहेली? तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वो क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन अपनी जगह से कभी नहीं हिलती? दोस्तों, ये पहेली बहुत ही लॉजिकल है, थोड़ा अपना आंसर ध्यान से दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सड़क यानी रोड। क्यों दोस्तों, थी ना लॉजिकल पहेली? तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा तो समुद्र में होती है लेकिन वो हम सबके घर में रहती है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से नीचे हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, इस पहेली का आंसर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की आखिरी पहेली सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इस तस्वीर को अच्छे से देखिए। आपको ये बताना है कि इस छोटे से बच्चे की असली माँ कौन है, राइट वाली या फिर लेफ्ट वाली? दोस्तों, थोड़ा अच्छे से देखिए क्योंकि इस पहेली को समझना बहुत ही जरूरी है और आपकी आंखें बहुत ही तेज होनी चाहिए। चलिए आज आपकी आई टेस्ट भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका आंसर हमें नीचे जल्दी कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा, बच्चे के हाथ पर टैटू बना हुआ है लेकिन ऐसा सेम टैटू ये लेफ्ट वाली चुड़ैल के हाथ पर भी बना हुआ है। इस राइट वाली चुड़ैल का टैटू थोड़ा अलग है लेकिन इस लेफ्ट वाली चुड़ैल का टैटू सेम टू सेम इस छोटे बच्चे के हाथ पर जिस तरह है उसी तरह का टैटू इस चुड़ैल के हाथ पर भी है। तो दोस्तों, ये बच्चा इस लेफ्ट वाली चुड़ैल का होगा और ये टैटू उसकी निशानी है। तो दोस्तों, क्या आपने भी ढूंढ लिया था? अगर हाँ तो इसी बात पे हमारे वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही मजेदार और जासूसी पहेलियों के साथ।